बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हांडा का 4th चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज आरएलसी सर्किट। तो इस 4th चैप्टर के एमसीक्यूज 1 से लेके एमसीक्यूज नंबर 100 तक हमने आज और नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में इसको कवर करने हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने एमसीक्यूज 1 से लेके एमसीक्यूज 10 तक एक्सप्लेनेशन के साथ कवर अप करना है। सो एमसीक्यू नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। A capacitor offer easy power to AC but dog DC, offer easy power to DC but dog DC, AC, offer easy power to both AC। अच्छा, हमारे पास कैपेसिटर के लाइक क्या कंसेप्ट्स हैं इसके पीछे, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये हमारे पास कैपेसिटर है, ओके। इसको मैं वायर्स के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ अक्रॉस द डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई हम पहले कंसिडर कर लेते हैं, ओके। सो क्या होगा यहाँ पे, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस डीसी सप्लाई, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। सो हमेशा कन्वेंशनल करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे और यहाँ पे ब्लैंक के बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्युमुलेट होंगे, तो आपका करंट होगा यहाँ पे। इस तरह नहीं है कि फॉर माइक्रो सेकेंड यू कैन से यहाँ पे आपका करंट होगा, दैट इज द ट्रांजिट करंट। हम ट्रांजिट करंट इसको कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह आएंगे और यहाँ पे एक्युमुलेट होंगे। जब यहाँ पे सेचुरेशन आ जाएगा, जब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे सेम चार्जेस विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इन चार्जेस, ये चार्जेस जो है ये उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो अपने पास नहीं छोड़ेगा इसको। सो यहाँ पे सेचुरेशन स्टेज आ जाते हैं। जब सेचुरेशन स्टेज आ जाते हैं तो फिर ये यू कैन से दैट दिस डीसी सप्लाई विल, दिस कैपेसिटर विल नॉट अलाउ द करंट ऑफ दिस डीसी सप्लाई, ओके। फिर स्टेडी स्टेट कंडीशन भी हम उसको कहते हैं, ओके। यानी जब करंट नहीं फ्लो होगा तो इट मींस कि स्टेडी स्टेट कंडीशन आ गई। अच्छा, तो यहाँ पे ये इसको ब्लॉक करेगा, ओके। यू कैन से ब्लॉक डीसी, ओके। इन दोनों ऑप्शन में एक होगा। अब एसी की तरफ आ जाते हैं, तो अगर हम यहाँ पे एसी सप्लाई कर लेते हैं, तो एक दूसरी बात पॉइंट यहाँ पे मैं क्लियर कर लूँ कि डीसी में आप यू कैन राइट इट लाइक दिस, पॉजिटिव नेगेटिव आप डीसी में लिख सकते हो, लेकिन एसी में आपने ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना। अगर आपने लिख लिया तो फिर आपके 0 मार्क्स होंगे। फिर एग्जामिनर जो होता है, जो बहुत टफ किस्म का एग्जामिनर होता है, वो आपको 0 मार्क्स देंगे, ओके। लाइक आपने सर नहीं करना, दिस इज टोटली रॉन्ग, ओके। क्योंकि एसी पे हमारे पास कोई फिक्स टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसी तरह जो अभी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे और इस तरह यहाँ पे एक्युमुलेट होंगे, ओके। तो दिस इज द एसी सप्लाई। तो एज यू नो दैट एसी सप्लाई में हमारे पास एक साइकिल में 2 डायरेक्शंस होते हैं। एक पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, लाइक इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। एक नेगेटिव होता है, लाइक इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे जब सेचुरेशन स्टेट आ जाते हैं, लाइक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो फिर ये कंडीशन आ जाता है, लाइक अब करंट पहले इस तरह फ्लो हो रहा था, अब करंट इस तरह फ्लो होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह आ जाते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड पर चले जाते हैं, ये एक्युमुलेट होता है। फिर फॉर नेक्स्ट साइकिल इसमें फिर इलेक्ट्रॉन करंट इस डायरेक्शन में होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे यहाँ तक। फिर फॉर द अदर साइकिल इलेक्ट्रॉन इस तरह आएंगे, रिवर्स आएंगे। तो यू कैन से दैट इट अलाउ द करंट, ओके, टू पास थ्रू देम, ओके। कैपेसिटर अलाउ द एसी करंट टू पास थ्रू देम। सो ऑफर इजी पाथ टू एसी बट ब्लॉक डीसी। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2, दैट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टिव सब्सटेंस इज हेनरी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इम्पेडेंस होता है, दैट्स इक्वल टू द रेजिस्टेंस, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, ओके। इम्पेडेंस, दिस इज इम्पेडेंस, आई विल राइट इट ओवर हियर, दिस इज इम्पेडेंस, दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज रिएक्टेंस। सो व्हाट विल हैपन, इसका ऑपोजिट जो होगा दैट विल बी एडमिटेंस, उसको हम एडमिटेंस कहते हैं, represented by a capital Y. Sorry, this is Z. Impedance is represented by a capital Z. Okay, that's equal to the conductance, which is represented by a capital G. Okay, this is the conductance, and inverse, which is the inverse of resistance, and inverse of reactance is the susceptance, जिसको हम B से represent करते हैं, okay. तो यहाँ पे हमारे पास the unit, अच्छा इसमें हमारे पास XC होगा तो हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XL होगा तो हम कहते हैं रिएक्टिव कैपेसिटेंस, ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर हमारे पास XC होगा तो इट मींस के कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अगर यहाँ पे हमारे पास XL होगा तो इट मींस के इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके। इसी तरह सब्सिस्टेंस में भी अगर हमारे पास BL होगा तो इट मींस के इंडक्टिव सब्सिस्टेंस, अगर हमारे पास यहाँ पे BC होगा तो इट मींस के कैपेसिटिव ससेप्टेंस। ओके, अच्छा यहाँ पे अगर यूनिट की बात की जाए तो इम्पेडेंस का यूनिट भी ओम होगा, इसके भी ओम होगा, इसके भी ओम होगा। सो ओवर हियर द इनवर्स ऑफ ओम इज मो, इसको हम मो भी कह सकते हैं। ओके मो, और यहाँ पे हम एक और लफ्ज लेते हैं सीमेन। ओके सो इसका भी सीमेन, इसका भी सीमेन, लाइक मो भी आप कह सकते हो। अगर मो होगा तो फिर बहुत करेक्ट आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पे मो नहीं है, सीमेन विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3, that is an inductor supplied with 50 volt AC with a frequency of 10 kHz pass a current of 7.96 milliampere. The value of inductance is, so as we know that we will need to find the value of inductor. Okay, L हमने find करने है, हमें voltage भी given है, current भी given है, तो we as we know that we L is equal to I XL हो जाएगा। Voltage is given to me that is 50, current is given to me that is 7.96. इसकी जगह अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि 2πfL बिकॉज फ्रिक्वेंसी इज आल्सो गिवन टू मी, सो योर एल विल बी इक्वल टू 50 / 7.96 टाइम्स 2 टाइम्स 3.14 हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी दैट इज 10 kHz, इट मीन्स के 10,000 हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इंडक्टर आपका आ जाएगा। सो इसको आप सोल्व कर लेते हैं, इससे आपके पास आ जाएगा 100 × 10⁻³ हेनरी which is equal to 100 millihenry. So option C will be your correct answer. Okay, next MCQ number 4. That is the when a 100 milliampere alternating current with a frequency of etna flow in the primary of the two coupled coil, the secondary voltage is 1 volt. The mutual inductance between the two coil is, okay, तो यहाँ पे हमारे पास voltage is given to me, current is also given to me. I will apply the same formula, I XL हो जाएगा। Voltage is 1, current is given to me that is 100 milliampere, तो 100 × 10⁻³ हो जाएगा। XL is 2πfL, like in this case mutual inductance है, तो 2πfM कम कर लेंगे। So your M will be equal to 1 / 100 × 10⁻³। तो इससे आपके पास आ जाएगा, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो तो 1.59 × 10⁻³ आ जाएगा। सो विच इज इक्वल टू 1.59 मिली हेनरी। सो या ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज इन AC सर्किट द पावर इज कंज्यूम ओनली इन इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस आर ऑफ दी गिवन अबाव। अच्छा पावर जो कंज्यूम होता है, जो डिसिपेट होता है, ओके वो कहाँ पे होता है? वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में होता है। ओके इंडक्टेंस में नहीं होता है, इंडक्टेंस में पावर स्टोर होता है, कैपेसिटेंस में भी पावर स्टोर होता है। ओके तो ये आप रेजिस्टेंस में हमारे पास पावर जो होता है, वो जो भी पावर आप दे दो तो वो आपका कंज्यूम होगा, डिसिपेट कहाँ पे होगा? रेजिस्टर में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Okay, next question number 6. That is, in which of the following case will the capacitor complete its discharge most rapidly? Okay, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन गिवन है और यहाँ से हमसे ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पे डिस्चार्ज जल्दी डिस्चार्ज होगा। ओके वो हम अक्सर कहते हैं ना कि बैटरी मोबाइल को हम चार्ज कर लेते हैं तो बहुत जल्दी वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी बैटरी सही नहीं है। तो वो हम किस तरह फाइंड करते हैं कि इसकी बैटरी सही नहीं है? वो तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम चार्ज कर लेते हैं। तो अगर आधे घंटे में डिस्चार्ज हो गए तो हम कहते हैं बैटरी सही नहीं, या अगर 15 मिनट्स में डिस्चार्ज हो गए तो हम कहते हैं बैटरी सही नहीं। तो इट मीन्स कि वहाँ पे हम किसको देखते हैं, वहाँ पे हम टाइम कांस्टेंट को देखते हैं। तो टाइम कांस्टेंट मीन्स कि दैट इज इक्वल टू RC। सो अब यहाँ पे आपने देखना है कि R वैल्यू इज गिवन टू यू, C वैल्यू इज गिवन टू यू एंड R वैल्यू इज आल्सो गिवन टू यू। सो नाउ इन दिस केस व्हाट यू विल डू, यू विल नीड टू चेक दिस टाइम कांस्टेंट वैल्यू। ओके बट यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे हमें वोल्टेज भी डिफरेंट गिवन है। अगर वोल्टेज सेम होते तो फिर यहाँ पे हम टाइम कांस्टेंट से हम फाइंड कर सकते थे, बट यहाँ पे वोल्टेज सबका डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज है। ओके अब हम इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास वी नो दैट फॉर डिस्चार्ज हमारे पास इक्वेशन क्या है कि वी इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर -t बाई RC। अच्छा हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, लाइक यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल टी, बट दिस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग मेथड, क्योंकि यहाँ पे आपने लॉग भी लेना है और कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होता एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा पॉइंट भी है, यहाँ पे हम उसी पॉइंट को यूटिलाइज करेंगे। वो पॉइंट क्या है कि वो पॉइंट ये है कि आपका कैपेसिटर जो होगा वो कंप्लीट डिस्चार्ज होगा या कंप्लीट चार्ज होगा कितने टाइम में, 5 टाइम कांस्टेंट में। ओके, ये आपने याद रखते हैं, 5 टाइम कांस्टेंट में आपका कैपेसिटर जो होगा वो कंप्लीट चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे देख लो, तो हमारे पास 5 टाइम कांस्टेंट हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं सबका। तो 5 तो सबके लिए इक्वल होगा, तो टाइम कांस्टेंट आप फाइंड कर लो। तो यू जस्ट नीड टू टेक द वैल्यू ऑफ आर एंड सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे देख लो, तो 10 × 10⁻⁶ हो जाएगा टाइम्स 1000 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास 10 × 10⁻³ आ जाएगा। ओके, दूसरे से हमारे पास 10 × 10⁻⁶ टाइम्स, यहाँ पे हमने 1000 मल्टीप्लाई करना है, तो इससे भी हमारे पास ही आ जाएगा सेम। यहाँ पे देख लो, तो 50 × 10⁻¹² हो जाएगा, पीको फेराड दैट इज -12। ओके, टाइम्स 200 मिली मीन्स 10⁻³ ओम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, सो इन मल्टीप्लिकेशन द पावर शुड बी एडेड। तो ये आपका हो जाएगा 5 × 2 = 10, ये आ जाएंगे मेंटल मल्टीप्लिकेशन कर लो। यहाँ पे ×10⁻¹² - 15 हो जाएगा। तो दिस इज वेरी लेस टाइम कांस्टेंट। ओके, तो इट मीन्स ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज, दैट इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड, इसको आपने गौर से सुनना है। An electric bulb rated to 20 volt is connected to 20 volt 5Hz source. Then bulb does not glow intermittently, glow continuously, fuse. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास does not glow, ये तो नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, और फ्यूज भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पे हम 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं। अच्छा, अब इन दोनों ऑप्शन को हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लो, हमारे पास जो घर में होती हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब, उसको हम क्या कहते हैं, हमें 20 वोल्ट उसको हम सप्लाई देते हैं। ओके, और जो फ्रिक्वेंसी होती है दैट इज 50 हर्ट्स। इट मींस दैट 50 हर्ट्स मींस दैट 50 साइकिल इन 1 सेकेंड। 50 साइकिल मींस दैट इट विल दिस साइकिल। ओके, 50 दिस साइकिल इन 1 सेकेंड। इट मींस दैट द करंट फ्लोइंग इन दिस बल्ब विल कंप्लीट 50 दिस साइकिल इन 1 सेकेंड। ओके, अच्छा, यहाँ पे देख लो, तो इट मीन्स के बल्ब की डायरेक्शन कितनी चेंज होगी 1 साइकिल में। बल्ब की डायरेक्शन, बल्ब टुवर्ड द करंट या अवे फ्रॉम द करंट की क्या होगी, लाइक दिस इज योर बल्ब। तो इसमें करंट की डायरेक्शन कितनी दफ़ा चेंज होगी, वो 1 साइकिल में 2 दफ़ा चेंज होगी। ओके, फॉर पॉजिटिव साइकिल इस तरह होगी डायरेक्शन, फॉर नेगेटिव साइकिल करंट की डायरेक्शन इस तरह हो जाएगी। तो इट मीन्स दैट हमारे पास करंट की डायरेक्शन कितनी टाइम्स चेंज हो रही है, वो 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड चेंज हो रही है। ओके, 100 दफ़ा वो चेंज हो रहे हैं करंट की डायरेक्शन 1 सेकेंड में। तो अब अगर आप इसको 50 हर्ट्स दे दो, तो ये बल्ब ऑन होगा। ओके, फॉर दिस करंट, फॉर दिस साइकिल, ये करंट इस तरह डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और यहाँ पे आपका बल्ब ये ऑन होगा। फिर आपका करंट ऑपोजिट हो जाएगा, और जल्दी से फिर ये हमारे पास इस डायरेक्शन में करंट आएगा, फिर भी ये ऑन होगा। लाइक ये कोड नहीं होगा, इसके पास इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि 100 टाइम इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो 100 टाइम्स ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो काफ़ी लाइक इसमें इस बल्ब को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि ये कोल्ड हो जाए। ओके, लाइक ये ब्लिंकिंग कर लें। ओके, ब्लिंकिंग नहीं करेगा, ये कंटिन्यूसली ऑन होगा, क्योंकि वो इतनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा 50 हर्ट्स है। इट मीन्स के 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड, वो 100 टाइम्स इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है इन 1 सेकेंड। अब अगर मैं क्या करूँ, अब अगर मैं इस फ्रिक्वेंसी को कम कर लूँ, लाइक 5 हर्ट्स कर लूँ, इंस्टेड ऑफ 50 हर्ट्स आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस फ्रिक्वेंसी टू 5 हर्ट्स। तो इट मीन्स दैट 5 साइकिल इन 1 सेकेंड, इट मीन्स दैट हमारे पास 10 टाइम्स इन 1 सेकेंड। तो ये अब होगा, यहाँ पे जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये बल्ब थोड़ी सी वो ब्लिंकिंग कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर बल्ब फुल शाइन हो जाएगा। फिर करंट की नेक्स्ट साइकिल में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक सर्वाइवल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उस टाइम ये करंट ब्लिंकिंग करेगा, उसके बाद फिर वो फुल शाइन हो जाएगा। तो इसी तरह ये लाइक डज नॉट, इट विल ग्लो कंटिन्यूसली इफ द फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्स एज आई ऑलरेडी डिस्कस, बट इन दिस केस फ्रिक्वेंसी इज 5 हर्ट्स, सो इट विल ग्लो इंटरमिटेंटली। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Okay, next MCQ is the current flow in parallel. Okay, the current through any one element is less than the source current. The current through each element is the same. Now that is in series combination. The voltage across element is in proportion to the resistance value. No, यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस प्रोपोर्शन टू दी रेजिस्टेंस कब होगा, जब आपका करंट सेम होगा। बट इन पैरेलल हमारे पास करंट सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट ब्रांचेस में करंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे आप करंट को सेम नहीं लेना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए क्या है? The equivalent resistance is greater than any one of the resistance. Now, in parallel combination, the equivalent resistance will be less than the less resistance of the parallel combination. Okay, उसमें जो सबसे less resistance होगा, उससे भी कम resistance आपको मिलेगा equivalent resistance में। तो इसमें option B will be your correct answer. The current through any one element is less than the source current. Okay, क्योंकि current source से जो current आएगा, वो उसकी division हो जाएगी और एक-एक branch में वो current flow होगा। Okay, MCQ number 9 that is. Under which of the following case the power dissipated in R3 in the circuit shown will be increased when R1 is increased, when R3 is double, sorry R2 is double, E is reduced, R4 is short circuited. Okay, हमारे पास power जो होता है that is equal to V square divided by R. यहाँ पे voltage constant है, it means कि that is the inverse of all these three resistors. अब हम क्या कर लेते हैं, हम इस तरह कर लेते हैं कि सब सारे रेजिस्टेंस मेरे पास सीरीज में कनेक्ट हैं। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा R1, इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। सो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो पावर आपका कम होगा। बट यहाँ पे डिमांड क्या है, पावर डिसिपेट या R3 इन दन विल इंक्रीज, इट मीन्स के पावर हमारे पास कब इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा जब आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए। तो इट मीन्स के इसमें आप एक वैल्यू को अगर इसको हम जीरो कर लें तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इट मीन्स कि पावर हमारे पास इंक्रीज हो गया। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कब जीरो होगी, इफ यू शॉर्ट सर्किट दिस। ओके, तो इट मीन्स कि ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, लास्ट एमसीक्यू ऑफ दिस क्लास इज दैट इज एमसीक्यू नंबर 10 दैट इज द कैपेसिटिव ससेप्टेंस एज आई ऑलरेडी डिस्कस इज अ मेजर ऑफ ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट्स एबिलिटी टू पास करंट, a purely capacitive circuit ability to resist the flow of current, reactive power in a circuit, the extent of neutralization of reactive power in a circuit. No, this is the capacitive susceptance is the inverse of capacitive reactance. Okay, so reactance will resist the flow of current. Okay, a purely capacitive circuit able to resist the flow of current. This is the opposite of this statement. So in this case, option A will be your correct answer. That is a purely capacitive circuit ability to pass the current. Okay, so इसमें हमारे पास option A correct answer होगा. Okay, so इसके बाद भी अगर आपको कोई confusion है तो आप मुझे comment section में बता दीजिएगा। और अगर आपने मेरा YouTube channel subscribe नहीं किया तो मेरा YouTube channel subscribe कर लें, क्योंकि इसमें मैं electrical engineering से related काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन, काफ़ी सारे डेली लाइफ के टिप्स जो हैं वो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। आज के बाद मैं उसको प्रॉपर्ली अपलोड करूँगा। मोटिवेशनल वीडियोस भी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, मोटिवेशनल स्टोरीज होंगी वो भी मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस चैनल पे, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम बोर होते हैं। लाइक मैं खुद ही जब एमसीक्यूज़ वीडियोस देखता हूँ या कभी स्टडी मटेरियल का स्टडी या स्टडी से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखता हूँ यूट्यूब पे, तो अक्सर बोर हो जाता हूँ। तो थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो मैंने प्लान किए हैं कि आज के बाद एक एक स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलेगी, ताकि आप मोटिवेटेड रहें ड्यूरिंग वाचिंग माय वीडियोस। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।